10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा महज 8 दिन के भीतर ही चरम पर पहुंच गई है। यहां देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। हालात ये हैं कि भारी भीड़ ने व्यवस्थाओं को पटरी से उतार दिया है, जिससे तमाम तरीके के सवाल खड़े होने लगे हैं। चारों धामों में लगातार बढ़ रहे यात्रियों को दबाव को देखते हुए सवाल किए जा रहे हैं कि क्या चारों धामों में एक साथ इतने लोगों को पहुंचने को लेकर सुविधा उपलब्ध है, या फिर इसको लेकर किसी तरह की कोई स्टडी की गई है जिसका जवाब सरकार के पास मौजूद नहीं है। उत्तराखंड में लगातार आ रही आपदाओं और चारधाम यात्रा जैसी परिस्थितियों को लेकर प्रदेश में धारण क्षमता और वहन क्षमता को लेकर पिछले कुछ सालों में खूब बातें हुई हैं। जोशीमठ शहर की आपदा के बाद इस तरह के अन्य संवेदनशील उच्च हिमालयी छोटे शहरों में किस तरह से केयरिंग कैपेसिटी और वेयरिंग कैपेसिटी को लेकर के काम हो, इसको लेकर के पिछले एक साल में बहुत चर्चा हुई है। लेकिन चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड के चारों प्रसिद्ध धर्मों पर हजारों तीर्थ यात्रियों का दबाव रहता है और वहां पर कितने लोगों की वहन क्षमता है, इसको लेकर के कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं है। यहां तक कि चारों धामों में प्रतिदिन तीर्थ यात्रियों की संख्या तो निश्चित कर दी गई, लेकिन इस पर कोई स्टडी नहीं की गई। इस बात को गढ़वाल कमिश्नर ने खुद स्वीकार की है कि चारों धामों में एक साथ इतने सारे लोगों के पहुंचने और उनके लिए वहां पर उपलब्ध सुविधाओं को लेकर के किसी तरह की बेयरिंग कैपेसिटी को लेकर के स्टडी नहीं करवाई गई है। देखिए, इस वहन क्षमता को लेकर यदि कोई स्टडी हुई है, एज ए कमिश्नर मेरी जानकारी में नहीं है। पर्यटन विभाग की ओर से अगर कोई ऐसी स्टडी कराई गई है तो मैं सचिव पर्यटन महोदय से जरूर अनुरोध करूंगा कि हमारे मीडिया के साथियों को शेयर कर दें। चारधाम यात्रा में लगातार बढ़ रहे श्रद्धालु आने के इस दबाव का एक बड़ा उदाहरण 2013 की आपदा में भी देखा गया था। यही वजह है कि इस बार चारों धामों में लगातार बढ़ रहे तीर्थ यात्रियों से आने वाली आपदा की आशंका को लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार नजर बनाए हुआ है। दो चीज है, कैरिंग कैपेसिटी एक कॉन्सेप्ट है, एक बेयरिंग कैपेसिटी है। आपदा प्रबंधन जो काम कर रहा है शहरों की सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी पे काम कर रहा है, स्लोप स्टेबिलिटी पे काम कर रहा है। तो हमारा दो अलग एक हम काम कर रहे हैं। कैरिंग कैपेसिटी ये है कि अगर जो गिवेन जो सर्विसेज अवेलेबल हैं, चाहे पानी की व्यवस्था क्या है, सीवर की व्यवस्था क्या है, पार्किंग की व्यवस्था क्या है, एकोमोडेशन की व्यवस्था क्या है, इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए एक साथ कितने लोग एक शहर में या एक कस्बे में रह सकते हैं, वो कैरिंग कैपेसिटी। तो इसमें डिपार्टमेंट जो नोडल हैं, जो अर्बन डेवलपमेंट है, टूरिज्म जो कि यात्रा देख रहा है, मेन नोडल चारधाम यात्रा के लिए है, ये हम सब, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर जो वहाँ लोकल रेसिडेंट हैं उसका नहीं है, जो बाहर से तीर्थ यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं उनके एक साथ ज़्यादा नव संख्या है या जो भी आ रहे हैं उनके कारण प्रेशर रहता है शहरों पे। तो मेरे ख्याल से इसमें कार्रवाई भी चल रही थी और कुछ कार्रवाई की भी गई है। बहरहाल पर्यटन विभाग ने भी चारों धामों में केयरिंग कैपेसिटी को लेकर किसी तरह की कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं की है, बल्कि चारों धामों में मंदिरों को कपाट खुलने और प्रति यात्री दर्शन के समय को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन यात्रियों के दर्शन की संख्या को निर्धारित किया गया है। चारों धामों में एक साथ कितने लोग रख सकते हैं और कितने लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसको लेकर के पर्यटन विभाग द्वारा किसी तरह की कोई स्टडी नहीं करवाई गई है। बड़ा सवाल यह है कि जब आज तक केयरिंग व वेयरिंग कैपेसिटी को लेकर कोई स्टडी नहीं हुई, तो फिर सरकार ने संख्या नियंत्रित करने के लिए केयरिंग कैपेसिटी का आंकड़ा कहां से और कैसे निर्धारित किया? पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।